दोस्तों आज आपको हम वार्डरोब दिखाएंगे और इसके बारे में कुछ खास जानकारी भी देंगे और साथ साथ में इसके अलावा एक और वार्डरोब दिखाएंगे, दो पल्लू वाली और साथ में सिंगारदान। तो सबसे पहले ये स्लाइडिंग वाली वार्डरोब है दोस्तों हमारी, ये लगभग 4.5 फीट की एक वार्डरोब है और इसके बगल में भी सेम साइज़ की है। यहाँ पर हमने एक दो ड्रॉर दी हुई है, ये देखिए ये एक ड्रॉर जो है वो लगभग 2 फीट की है, लगभग 26 इंच आया है एरिया इसका। इसके ऊपर साइड में हमने सेल्फ डाली हुई है, जो सेल्फ है दोस्तों ये फोल्डिंग पर है, अगर आप ऊपर हैंगिंग के लिए लगाना चाहते हैं रॉड तो वो भी लगा सकते हैं आराम से और ये सेल्फ जो है आपकी निकल आएगी। और साथ साथ में इसका कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल सेम किया हुआ है, यहाँ भी हमने दो ड्रॉर दी हुई है और नीचे साइड में आपको बड़ा स्पेस मिलेगा। ये देखिए ये जो दराज है हमारी ये काफ़ी लगभग 20 इंच बाहर आती है पूरी, और ऊपर की तरफ भी दो सेल्फें मिल जाएंगी आपको। और ये सभी सेल्फ जो है वो बटन पर हैं, आप जब चाहे इसको निकाल सकते हैं आसानी से। और साथ ही साथ में हमारा सॉफ्ट क्लोज लगा हुआ है जो स्लाइडिंग में। इसके अलावा दोस्तों दूसरी तरफ जो है यहाँ पर हमने हैंगिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, ऊपर साइड भी हैंग कर सकते हैं और नीचे साइड में साड़ी वगैरह हैंग कर सकते हैं। साथ ही साथ में नीचे की तरफ एक सेल्फ भी दी हुई है, जैसे कि साड़ी वगैरह टांगने के बाद जो स्पेस बचता है उसमें आप सामान वगैरह भी रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये एरिया मिल जाता है आपको, सेम एरिया है हैंगिंग के साथ में, साइड में पिलर था तो उसको हम लोगों ने पैक किया हुआ है। और अंदर साइड में लैमिनेट्स वगैरह देख सकते हैं आप, वाइट कलर में लगाया है और ऊपर की तरफ में जो है वो पल्ले दिए हुए हैं, सिर्फ बॉक्स है, आराम से पल्ले मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा दूसरी तरफ दोस्तों हम लोगों ने एक दो पल्ले की अलमारी बनाई हुई है और साथ में इसमें अटैच में एक शोकेस दिया हुआ है, जिसमें अभी शोकेस में मिरर लग जाएगा एक साइड में, जो आप देख रहे हैं खाली जगह इसमें मिरर लगेगा, साथ में उसके बगल में शोकेस। और ये आपको एक अलमारी मिलती है यहाँ पर, इसके बीच में एक लॉकर दिया है हम लोगों ने, ऊपर हैंगिंग का ऑप्शन है और नीचे एक सेल्फ दी गई है। देखिए दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके और भी जानकारी को पूछ सकते हैं। अगर हमसे काम करना चाहते हैं तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।